आज मेरा, फिर मैं एक चम्मच इस कढ़ाई में से लूंगी, फिर आपको एक चम्मच दूंगी। इसी तरीके से अपनी इस बनाई हुई मैगी का बंटवारा हो जाएगा। नहीं बेंजोनिया जी, इस तरीके से इस बनाई हुई मैगी का बंटवारा नहीं होगा। देखो बेंजोनिया जी, इस कढ़ाई में इस मैगी को बनाया गया है, इसीलिए इस पूरी कढ़ाई पे मेरा हक है। तुमने अपनी प्याली में जितनी मैगी बनाई हुई लेना थी वो ले ली, अब बस इतनी मैगी खा के संतुष्ट हो जाओ। बेफालतू की तो बात करो मत मोदी जी, अगर आपकी कढ़ाई है लेकिन इस मैगी को बनाने में गैस तो मेरी खत्म हुई है। मेरे चूल्हे पे आपने ये मैगी बनाई है, मानती हूँ कढ़ाई आपकी है, इसलिए इस बनाई हुई मैगी पे मेरा हक ज्यादा है। मैं ज्यादा लूंगी मैगी, और आप कितनी मैगी खाओगे देखो, आपकी पूरी की पूरी प्लेट भरी पड़ी है मैगी से, पहले ये तो खाओ। अरे वो देखो मोदी जी, सीढ़ी के रास्ते से मायावती जी आ गई। अरे बहन मायावती जी, आप किस लिए आई हो, आप तो बताओ यहाँ पे। अच्छा मोदी जी, मैं किस लिए आई हूँ एक बात बताओ, इस मैगी को दुकान से लाके तो मैंने ही आपको दिया था, और मैंने आपसे ये कहा था जब ये मैगी बनके तैयार हो जाए, खाने के लिए तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना। लेकिन इस बनी हुई मैगी का बंटवारा आप दोनों लोग आपस में कर रहे हो, मुझे क्यों नहीं बुलाया, इस मैगी को मैं भी खाऊंगी। लो बहन सोनिया जी, अपनों ने सोचा था यहाँ पे छत पे आके मैगी का बंटवारा कर लेंगे, बहन मायावती जी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये तो आ गई, अब इस मैगी का बंटवारा तीन जगह करना पड़ेगा। बहन मायावती जी ऐसा करो, ये कढ़ाई में जो मैगी बची हुई है ये आप ही खा लो। मोदी जी ऐसा नहीं चलेगा, इस कढ़ाई में तो जरा सी मैगी बची, और बहन सोनिया जी ने और आपने अपनी प्लेट और प्याले में बहुत सारी मैगी निकाल रखी है, मेरी कढ़ाई में तो अब थोड़ी सी मैगी बची, इतनी मैगी मैं नहीं खाऊंगी। अपनी इस प्लेट में से और बहन सोनिया जी अपने इस प्याले में से थोड़ी थोड़ी मैगी मेरी इस कढ़ाई में डालो। अरे बहन मायावती जी, आप बेफालतू की बात करती हो, ये कढ़ाई बहुत बड़ी है, इसमें मैगी तुम्हें कम लग रही है, लेकिन असल में इसमें मैगी हमारी प्लेट और प्याले से ज्यादा महंगी है, खा लो इसे। लेकिन बहन सोनिया जी और बहन मायावती जी, मिल बांट के कोई भी चीज पका के खाने का मजा ही निराला है। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।